नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के भाग चार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कवर किया गया है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इकोनॉमी के पार्ट फोर वीडियो, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है ILO, जिसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह 1944 में अमरीका में हुआ। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 अगस्त 1945 में मनाया जाता है। और नागासाकी दिवस ये 9 अगस्त 1945 को मनाया जाता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके बाद आपका आता है UNO। दोस्तों, UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है UNO में सदस्य कितने हैं? 193, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद इसका अंतिम सदस्य कौन था? दोस्तों, ये था साउथ सूडान। 24 जुलाई 2011 में ये जोड़ा गया था। और इसके जो महासचिव है, ये है आपके एंटोनियो गुटेरेश। 1 जनवरी 2017 से पदभार इन्होंने संभाला है। और UNO के जो अंग है ये 6 हैं। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF को, यह ध्यान रखना है। ब्रिटेन की जुड़वा किसे कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों को ही जुड़वा कहा जाता है। आगे आपका आता है, भारत UNO में कब शामिल हुआ? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। 30 अक्टूबर 1945 से ही भारत UNO में शामिल हुआ था। UNO के प्रमुख अंग क्या है, इन्हें देखते हैं। दोस्तों, UNGA, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी बैठक न्यूयॉर्क में सितंबर के आखिरी सप्ताह में की जाती है। और इसका एक अंग ये भी है UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्यों की वीटो पावर दुगनी होती है अस्थायी से। और अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 2 वर्ष होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है। महासचिव इसके 2019 तक तो थे जिम योंग किम, और जो हाल ही में कार्यभार संभाला है ये क्रिस्टेलिना जियोर्जीविया ने संभाला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर में भी ये प्रश्न बनता है। इसके 5 सदस्य है, IBRD, IFC, IDA और MIGA, और आपका ICSID। ठीक है, IBRD को विश्व बैंक भी कहते हैं और IDA को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। ये दोनों भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। इन 5 सदस्यों में से भारत ICSID का सदस्य नहीं है, यानी कि इसका सदस्य नहीं है, बाकी इन 4ों का सदस्य भारत है। तो दोस्तों, ये जो इसके 5 सदस्य हैं इनके बारे में देखते हैं। IBRD, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका सदस्य भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके सदस्यों की संख्या है 188 और इसका अंतिम सदस्य दक्षिण सूडान है, जो कि 8/4/2012 से जोड़ा गया है। फिर इसके बाद आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जुलाई 1956 को की गई और इसमें सदस्य है 184। आगे इसमें देखते हैं, भारत इसका सदस्य 20 जुलाई 1956 से ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भारत कौन सी संस्था का सदस्य कब से है। फिर आपका आता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1960 को। इसके सदस्य है 172 और भारत भी इसका सदस्य है। आगे आपका आता है MICA, यानी के मल्टी लेरल
इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1988 को हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या है 181। इसका जो अंतिम सदस्य था भूटान 8 दिसंबर 2014 से। दोस्तों ये अंतिम सदस्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी कभी बार पूछ ले जाते हैं। भारत इसका सदस्य 6 जनवरी 1994 से है। आगे आपका आता है इसका जो पाँचवा है, यह है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 8 मार्च 1965 को हुई थी। इसके जो सदस्यों की संख्या है 195 है। भारत इसका सदस्य नहीं है जैसा मैंने ऊपर बताया है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इन सभी पाँचों का जो मुख्यालय है यह आपका वाशिंगटन DC में है। फिर आगे आपका आता है IMF। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसके सदस्यों की संख्या है 188 और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। भारत इसका सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। IMF की प्रथम महिला प्रबंध निदेशक कौन है? यह है क्रिस्टिन लुगार्डे, फ्रांस की है, जो अभी हाल ही में यही है, और ये प्रथम महिला प्रबंध निदेशक भी है, ये आपको ध्यान रखना है। IMF का फंक्शन क्या होता है? भुगतान संतुलन, आयात निर्यात मामलों पर ध्यान देता है। ठीक है, आगे आपका आ जाता है यूनिसेफ। दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की संख्या है 191 और इसके महानिदेशक जो फिलहाल करंट में है वो है हेनरीटा H4A। फिर इसके बाद आता है यूनेस्को, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी पेरिस में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यूनेस्को की सदस्य की संख्या है 196 और इसके महानिदेशक जो फिलहाल करंट में है ये है आद्रे एजुले। फिर आपका आता है WTO। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। 1995 से पहले भी इसकी एक बॉडी काम कर रही थी, ये भी ध्यान रखना है। और व्यापार दिवस 4 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है WTO का जेनेवा में। सदस्य है 164 और इसके जो DG है, डायरेक्टर जनरल, वो है रोबर्टो एजेवेडो। फिर आपका आ जाता है गेट। दोस्तों गेट की फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को। इसके बाद आता है WHO, ये भी ध्यान रखना है। ये WTO और WHO, इनसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनकी स्थापना हुई थी WHO की 7 अप्रैल 1948 से और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये UP पुलिस की पिछली परीक्षा में पूछा गया था और इसके जो हेड है फिलहाल WHO के, ये है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, इसके बाद आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। मुख्यालय इसका रोम में है। इसके सदस्य है 192 जिनकी संख्या है। फिर आता है आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसके सदस्य है 67। 67वां जो देश था वो था जॉर्जिया, यूरोप 2007 से। इसके जो फिलहाल अध्यक्ष है वो है टाकेहिको नकाओ। आगे आपका आता है नाटो। दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की जो राजधानी है। इसके सदस्य देश है 28। सिक्योरिटी जनरल जो इसके फिलहाल करंट में है वो है जेंस सोल्टनबर्ग। फिर अब उसके बाद आता है सार्क। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश है 8, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। ये काफ़ी बार अरेंजमेंट में पूछ लिए जाते हैं सभी, ठीक है, इसलिए इन्हें भी आप ध्यान रख लीजिएगा।
इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ढाका में हुई थी नेपाल में, और आखिरी सदस्य देश है इसका अफगानिस्तान 2017 से। इसके जो महासचिव है करंट में जो है फिलहाल, ये है अजमाद हुसैन। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है एशियन। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सदस्य देश है 10, जो कि इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इसका जो संवाद सदस्य है वो है भारत, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है ओपेक। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोजिज कंट्री। इसके बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 10 सितंबर 1960 में। मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया में। सदस्य देश है इसके 12। फिर आगे आ जाते हैं आपके G7। G7 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ सेवन। इसकी स्थापना 1976 इटली कनाडा से हुई, और इसके सदस्य 7 है, इसीलिए से G7 कहा गया है। पहले ये 8 थी, इसमें से रूस को हटा दिया गया, इसी कारण इसे G7 कहा गया, नहीं तो फिर इसे जब 8 थी G8 कहा जाता था। 2018 में G7 की कॉन्फ्रेंस कनाडा में हुई थी। दोस्तों G5 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और G8 1998 रूस में हुई थी, और G20 1998 में स्थापना हुई थी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना G7 था, इसीलिए इनके बारे में सिर्फ स्थापना दिवस ही याद रख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आता है IBSA, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। फिर इसके बाद आता है बेसिक, ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना। इसकी ये फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म में ही देशों के नाम भी खोल दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2009 में। फिर आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स को जानने से पहले हम इसका बेसिक का कार्य देख लेते हैं, क्या है। जलवायु परिवर्तन के लिए इसे बनाया गया है। ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इसकी स्थापना 2009 में हुई, और इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। फिर आता है SCO, संघाई ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 में की गई, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है नेम है नॉन अलाई मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे कहा जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 120, भारत भी इसमें शामिल है। फिर इसके बाद आता है CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इसके सदस्य है 53, भारत भी इसका सदस्य है, मुख्यालय लंदन में है। फिर आपका आ जाता है बिमस्टेक, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई, मुख्यालय ढाका। दोस्तों इसका जो नया नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर आपका आता है अपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म है, स्थापना 1989 में, सदस्य इसके 21 है, भारत इसका सदस्य नहीं है, मुख्यालय इसका सिंगापुर में है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप इन सभी को नोट कर ले, ठीक है, और हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसे शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की कोई भी अपडेट समय समय पर देते रहे। धन्यवाद।